Assalamualaikum, dear students and friends. Welcome to Shahid Physics and Maths wala channel. Ummeed karta hu ke aap sab log khairiyat se honge. Aaj hazir hai ek nayi video, ek naye lecture ke saath, jo ki ek lecture hai class 12 physics se, electrostatic chapter se related hai, applications of electrostatics. यानी हमारे पास प्रैक्टिकल लाइफ में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के यूजेस कहां-कहां होते हैं. तो फर्स्ट यूज इसमें हमारे पास ये फोटोकॉपियर्स या ज़ेरोकॉपी. फोटोकॉपियर्स आर बेसिकली इट इज अ मशीन दैट मेक्स क्विकली एंड इजीली कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स. ज़ेरोकॉपी क्या होता है? तो ज़ेरोकॉपी इज अ ग्रीक वर्ड which is the combination of two words, zeros and grapples. Zeros means drawing and grapples means writing. So zerography is a process of dry writing. So construction manufacturers of a public machine gun get consists of the following parts. First is number by rotating drum. Second is number by water. Third number is number by light. Fourth number is running for a drone and drone eye. Fifth number is running heat rollers. Or sixth number is running conveyor belt. All four sides of the rotating engine parts are rotating for the power machine and body. Now, first of all, we have to have the diagram for the air money. Or, we have to have the rotating drum body. So, first part of the rotating drum is rotating drum is made of aluminium. Rotating drum is made of aluminium. और इसके ऊपर कौन होता है? कौन है डर? Layer of selenium. सपोज करते हैं मेरे पास ये मार्केट में भी एक ड्रम की तरह बिहेव कर रहा है. तो ये ड्रम किससे बना है? एल्यूमिनियम से बना है. और इसके ऊपर हमने एक लेयर ऑफ सिलिकॉन कोट किया हुआ है. सिलिकॉन बेसिकली हमारे पास है एक फोटो कंडक्टर मटेरियल. सिलिकॉन इज अ फोटो कंडक्टर मटेरियल. फोटो कंडक्टर मटेरियल आर दोस मटेरियल्स which becomes conductor in the presence of light and in the absence of light it is without light insulator. जब इसके ऊपर light पड़ता है तो वो conductor की तरह behave करता है. जब light नहीं पड़ता है तो वो insulator की तरह behave करता है. ये photo conductor material है. जो selenium हमारे पास है ये photo conductor material. जब इस ड्रम के ऊपर हमने इस तरह इसमें लेयर बनाया हुआ है सिलिकॉन के ऊपर एल्यूमिनियम के ऊपर हमने सिलिकॉन का लेयर बनाया हुआ है. अच्छा, तो हम यहाँ पर एक टाइप का यहाँ पर कौन है जो कि निजी चार होता है. और इसमें साथ में यहाँ पर एक प्रोटॉन बॉन्ड है. प्रोटॉन बॉन्ड तो यहाँ पर लेस लगा होता है. ये लेस हमारे पास
प्रमाण कंडक्टर के द्वारा दिया जा रहा है क्योंकि सीएम सर्विस है इसके ऊपर। फिर इन वर्ड्स को देखे तो जहां पर वर्ड लिखे होते तो वहां पर लिखाई पड़ता है तो उसका साइज भी हो जाता है क्योंकि वो डार्क एरिया होता है, डार्क एरिया होता है, लाइट वहां पर नहीं होता। तो जब वो डार्क एरिया होगा तो वो जगह बन जाता है एज इंसुलेटर और बाकी जहां पर लाइट होता है वो बन जाता है एज कंडक्टर। तो ये सपोज कर लीजिए यहाँ पर ये बात होता है तो ये वर्ड्स और यहाँ पर आ गए बी ए के और बाकी यहाँ पर होता है यहाँ पर चले जाने की ये हो जाए। अगर बी ए के का साया वर्ड्स का साया यहाँ पर बना है तो फिर ऊपर जहाँ पर बात हो जाती है और यहाँ पर बात हो जाती है क्योंकि ये ड्रम हमें बनाया हुआ है एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम के सदस्य करने पर आप इलेक्ट्रिसिटी एंड आयरन का फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा विचार फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं नेगेटिव चार्ज इसमें होते हैं तो एल्यूमिनियम की स्थिति करना है नेगेटिव चार्ज को अवॉइड करना इसी बात को विचार को ये बात को विचार को नेगेटिव चार्ज को अवॉइड करना है एल्यूमिनियम। सो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करके ये जो है न्यूट्रल बन जाता है और यहाँ पर साया होता है तो इंसुलेटर होता है इंसुलेटर में कोई नेगेटिव चार्ज पास नहीं होगा तो वो बात है और वर्ड्स जो होते हैं यहाँ पर होता है तो वर्ड्स के बाद चार्ज वापस बन जाते हैं जो वर्ड्स नहीं होते। तो बाद में बाद में तो ये बेहतर है और ये नहीं है
in charge of the airport New Delhi. New Delhi को बताइए आप नहीं होता तो जब ये New Delhi होता है आप क्या होता है तो आप काम करते हैं एक बार तो क्या करते हैं New Delhi में जब New Delhi बनते हैं तो वो सीधे डिजाइनर्स में से सीधा New Delhi और फिर दूसरा है या तो टी में एक बार तो ये काम होता है तो इलेक्ट्रॉन आप होंगे और जब आप होंगे तो टी वाला नहीं जाएगा जब इससे लगा तो ब्लैक में इस वक्त इलेक्ट्रॉन फिर आप हो जाते हैं ब्लैक में या तो ये वहां पर इलेक्ट्रॉन फिर आप हो जाते हैं तो फिर वो पेज टू वन नहीं बनता है इंडो तो वो वन नहीं लेता तो ब्लैक आ जाता है फिर कई अनुमति ना जरूरी नहीं होता मुझे उसको जरा समझा दिए के लिए तो फिर ये आप होता है जब आप होता है तो ये न्यूमर हो जाता है बाकी बस और फिर सी रहते करके करके वाइल हो जाता है फिर आप होता है तो फिर ए और ए के दरमियान में ब्लैंक है उसको आप नहीं लिखना है तो इसके ऊपर तो फिर ये आप होते हैं उसको बंद में दूसरा डाला देता है और वो ब्लैंक दिया जाता है तो यहाँ पर तो बटन है जो और एंट्री टाइम को तो जिसके एम सप्लाई की तरफ आता है वो एम सप्लाई कंप्यूटर से और एम यूजर कंप्यूटर से एम प्रोसेस से रिव्यू होता जाता है तो ये था आज का लेक्चर जो कि रिलेटेड था एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक से और वॉल्यूम्स एंड इंटीग्रेटर्स चार्ज हम किस तरह कैपेसिटर को करते हैं और डिस्चार्ज हम किस तरह कैपेसिटर का कर सकते हैं तो चार्जिंग आप कैपेसिटर के लिए सबसे पहले आपने आरसी सीरीज सर्किट लेना है तो यहाँ पर मैंने लिया हुआ है आरसी सीरीज सर्किट आर इज द रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर एंड सी इज द कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर और इसको मैंने एक वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर है स्विच एस लगा हुआ है जो कि ये की है तो ये टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगा तो ये क्लोज सर्किट बन जाएगा क्लोज सर्किट ऐसा सर्किट होता है जिसमें करंट फ्लो होता है सो व्हेन करंट इज नॉट इन फ्लो इन दिस सर्किट द कैपेसिटर विल गेट चार्ज्ड सो उसके लिए इक्वेशन हमारे पास है q इज इक्वल टू q नॉट इनटू 1 माइनस माइनस पावर टी बाई आर सी सो यहां पर देखिए क्यू इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ चार्ज है क्यू नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ चार्ज है एंड टी इज द यूलर कांस्टेंट हुज वैल्यू इज 2.718 एंड आर सी इज द टाइम कांस्टेंट इन विच द मैक्सिमम चार्ज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर दैट टाइम इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट बेसिकली ये आरसी रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर और कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर का प्रोडक्ट होता है जो कि टाइम के इक्वल आता है अब चार्जिंग के लिए हमारे पास देखिए जब x सेकंड हो जाए इवन t इज इक्वल टू 1 आरसी मैंने लिखा है 1 आरसी का मतलब है 1 सेकंड टाइम गुजर जाए जिस तरह आप कैपेसिटर को चार्ज कर रहे हो तो 1 सेकंड के बाद कितना चार्ज स्टोर हो जाएगा कैपेसिटर के ऊपर तो उसके लिए हम ये प्रूव करते हैं इक्वेशन में देखिए q इज इक्वल टू q नॉट 1 माइनस t पावर माइनस t की जगह पर rc मैंने पुट कर लिया और डिवाइडेड बाय rc सो rc rc कैंसिल हो गया यहां पर रह गया माइनस 1 सो q इज इक्वल टू q नॉट 1 माइनस e पावर माइनस 1 रह गया अब ये e पावर माइनस 1 को हम 1 बाय e लिख सकते हैं जिस तरह हमारे पास अलजेब्रा में सपोज करने के x माइनस 1 है तो ये 1 बाय x लिख सकते हैं या 1 बाय y है तो इसके ऊपर जाएगा तो पावर y का यहाँ पर है प्लस 1 ऊपर जाएगा तो y माइनस 1 बन जाएगा इस तरह तो ये इस तरह कहेंगे 1 बाई ई आ रहा यहाँ से अब q इज इक्वल टू q नॉट इनटू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई ई की वैल्यू हमारे पास है
2.718 वो मैंने पुट कर ली है. सो यहां पर जब ये वैल्यू पुट होगा सो 1 / 2.718 से आता है 0.367. अब इसको 1 - 0.367 करेंगे तो इससे आता है 0.632. अब मैंने यहां पर 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और 100 पे डिवाइड कर दिया. परसेंटेज निकालोगे कितना परसेंट कैपेसिटर चार्ज होगा तो इसलिए मैंने 100 पे के साथ मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया. अब ये ऊपर वाला 100 जब 0.632 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो इससे 63.2 आएगा और 1/100 के लिए हम परसेंट लिखते हैं ये सिंबल. तो 63.2% 1 सेकंड में कैपेसिटर चार्ज हो जाता है क्योंकि मैंने यहां पर ये ग्राफ इशू किया हुआ है. लेकिन ये 63.2 तो ये पॉइंट है 1/80 तो ये यहां पर इस तरह चार्ज हो जाएगा. यहां से स्टार्ट हुआ था और यहां तक आ जाएगा तो ये 1 सेकंड में इतना 63.2% चार्ज हो जाएगा. फिर मैंने लिखा है कि when t is equal to 2RC सो कैपेसिटर कितना चार्ज हो जाएगा देन 86%. इसी तरह इसी तरीके से आपने इस इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट कर रहे तो आपके साथ ये सारा प्रूफ आएगा और उससे 86% आ जाएगा. तो 86% यहां पर ग्राफ में आपको शो रहे 86% यहां है तो 63.21 सेकंड में इतना हुआ था 2 सेकंड के बाद ये 86 तक चला जाएगा. तो ये ग्राफ इधर आ जाएगा इस पॉइंट पर. फिर when t is equal to 3RC तो 3 सेकंड के बाद कैपेसिटर कितना चार्ज होगा तो 3 सेकंड के बाद हमारे पास कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा 94% तक. तो यहां पर देखिए 94 है ग्राफ में तो ये 3 सेकंड ये है तो ये लाइन इस तरह जाएगा तो ये इधर आ जाएगा ये 94% ये ग्राफ इस तरह ऊपर जा रहा है. फिर when t is equal to 4RC यानी टाइम 4 सेकंड हो जाए तो कैपेसिटर कितना चार्ज हो जाएगा देन 98% ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा. तो 98% यहां पर देखिए ये वर्टिकल लाइन 98 है तो 98 पॉइंट ये इसके साथ ये कर ले और ये 4 सेकंड ये है 4RC. फिर when t is equal to 5RC यानी 5 सेकंड के बाद देन 99.9% मतलब ये 100% चार्ज हो जाएगा 5 सेकंड. तो कैपेसिटर 5 सेकंड के बाद कंप्लीटली चार्ज हो जाता है. अब आते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर की तरफ. डिस्चार्जिंग में देखें तो हमारे पास ये सर्किट है वही आरसी सीरीज सर्किट आपने लेना है और इसमें मैंने यहां पर देखिए कीज को डिस्कनेक्ट किया है. जब की डिस्कनेक्ट होगा तो ये ओपन सर्किट बन जाएगा. ओपन सर्किट मींस दैट देयर इज नो करंट फ्लो इन द सर्किट. There is no flow of current in the circuit is called open circuit. तो जब current flow नहीं होगा तो capacitor में जितना charge था वो discharge हो जाएगा तो वो वापस खत्म हो जाएगा. So उसकी equation है discharge के लिए proof होता है लेकिन ये high level में है FSC level में नहीं है. Q is equal to Q0 into E minus T divided by RC. So ये equation है. अब इसमें उसी तरीके से when T is equal to 1 RC यानी 1 second के बाद कितना discharge होगा. तो जब हम यहां पर इस इक्वेशन में पुट करेंगे q is equal to q0 e minus power t by rc तो t के लिए पर rc और डिवाइड बाय rc तो rc rc के साथ कैंसिल हो जाएगा. सो यहां से आ जाएगा q is equal to q0 into e minus 1 e minus 1 तो इस फॉर्म में सर ले सकते हैं 1 by e तो 1 by e putting the values 1 by e given here 2.718 तो इसको डिवाइड करें इससे आता है 0.367. फिर मैंने यहां पर 100 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दिया और 100 पे डिवाइड भी कर दिया तो ये 100 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 0.367 के साथ तो इससे आएगा 36.7 तकरीबन. तो इसको हम जब राउंड अबाउट कर देते हैं तो ये 37 आता है और ये 1/100 के लिए मैंने परसेंटेज लिख दिया. तो Q is equal to Q0 37% चार्ज कैपेसिटर के ऊपर रह जाता है और बाकी कहां चला गया वो डिस्चार्ज हो गया. तो इसका ग्राफ ये है Q0 मैक्सिमम था तो यहां से आएगा और यहां पर 37 तक आ जाएगा. ये 37% चार्ज अब कैपेसिटर पर रह गया है. सो इसके बाद after 2 second when t is equal to 2 RC then कैपेसिटर पर कितना चार्ज रह जाएगा तो 13% तक आ जाएगा. 13 इसी लाइन में यहां पर है तो 2 सेकंड के बाद ये पॉइंट इधर है तो 13% चार्ज.
फिर आफ्टर 3 सेकंड एंड t इक्वल टू 3 आर से देना इसी तरह आप इसमें वैल्यू स्टोर करेंगे तो इससे 5% आएगा तो ये 5% यहां पर है 5 ये पॉइंट है तो ये ग्राफ इधर आ जाएगा फिर आफ्टर 4 सेकंड देना 1.8% चार्ज उसके ऊपर रह जाएगा तो ये कितना आ जाएगा फिर आफ्टर 5 सेकंड एंड t इक्वल टू 5 आर से देना 0.6% चार्ज कैपेसिटर के ऊपर रह जाएगा यानी ये कंप्लीटली जीरो तक आ गया तो ये जीरो यहां से जीरो स्टार्ट हुआ था और ये मैक्सिमम तो ये इस तरह ये डिस्चार्जिंग के लिए ये ग्राफ है इस तरह टाइम के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता चार्ज कम होना होता जाता है और यहां पर देखिए चार्जिंग में तो ये टाइम के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता कैपेसिटर के ऊपर चार्ज ज्यादा स्मॉल होता जाता है तो ये चार्जिंग के लिए ग्राफ इस तरह है और डिस्चार्जिंग के लिए ग्राफ इस तरह है तो ये था आज का लेक्चर चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा काइंडली अपने फ्रेंड्स के साथ स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़